बोली हाँ हाँ हमें पता आप इसकी मम्मी। वाह यार बहुत प्यारे, बीगल ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है यार, ये कॉपर कलर वाला, ये कॉपर कलर बहुत रेयर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लू आईज साथ के साथ, अरे वाह यार बहुत सही। भैया सेंट बर्नार्ड जैसी एक ब्रीड है वो हर बंदे के बस की नहीं, ये बात हमें माननी पड़ेगी, ना उसकी ब्रीडिंग हर एक बंदे की है ना रख। लोगों ने इतना ज्यादा मिक्स करवा दिया इसको, कईयों ने नेपोलियन के साथ मिक्स करवा दिया, कईयों ने केनफोर्ड के साथ मिक्स करवा दिया। ओरिजिनल कह सकते हैं कि ओरिजिनल कम मिलता है। ओके गाइस, तो फिलहाल जो है मैं पहुंच चुका हूं नीलोखेड़ी के अंदर, वैरायटी कैनल के बाहर मैं खड़ा हूं और सेटअप बहुत चेंज हो चुका है। मैं ऑलमोस्ट 2 साल के बाद यहां पर आया हूं और आज देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से अमेजिंग डॉग्स हैं एंड आई जस्ट कांट वेट अंदर जाने के लिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। चलो आपको मैं मिलवाता हूँ हमारे जो भैया हैं राकेश शर्मा जी से। कैसे हो भैया, बहुत टाइम बाद आज भैया से, वैसे तो मुलाकात होती रहती है बट वीडियो के लिए हमने स्पेशली कहा कि भैया टाइम निकालो, मैं चाहता हूँ कि नया सेटअप जो आपने रेडी करा है वो दिखाया जाए। तो कितना टाइम हो गया इस सेटअप को यहाँ पर? इसको 1 साल के करीब करीब होने वाला है। ये बिल्कुल पास ही है, नेक्स्ट टू द लोकेशन। हाँ, है वो सामने, वो पहली लोकेशन वो रही सामने, आप दिखा सकते हैं एक बार वो दिखा। वो उधर सामने लोकेशन है, वो लोकेशन थी, अब इधर शिफ्ट, अब इधर शिफ्ट किया है। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब भी मैं वैरायटी कैनल आपके यहाँ पर आता हूँ स्पेस की कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिखी डॉग्स को। डॉग्स के लिए देखो, इंसान अपने घर बनाता है अपने लिए, रूम नहीं नहीं खुला होना चाहिए, नहीं वेड़ा बहुत खुला होना चाहिए, तो यार ये भी तो बेचारे इंसान ही है, इंसानों की तरह इनको भी तो जगह चाहिए। इनके लिए कंजेस्टेड लोगों ने आजकल जो घर में दो दो डॉग रखने के बाद अपने आप को ब्रीडर बोलते हैं, हम ब्रीडर हैं, हमारे पास इतने डॉग हैं, यूट्यूब पे बना बना के डाल रहे हैं, क्या है घर में जाओ तो एक दो डॉग पिंजरों में डाल रखे हैं कंजेस्टेड से बेचारे। तो हम लोग तो देखो आपके सामने है, इधर देखो सब, इधर भी इनका पीछे सब घूमने का बनाया हुआ है। जब आपको मतलब प्रोफेशनली एक चीज करनी पड़ती है, बिकॉज भैया 2008 से रजिस्टर्ड हैं, ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है भैया, केसीआई से तो चलो अलग ही छोड़ो, पर पूरी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनका जो फार्म है वो रजिस्टर्ड है। तो जब आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करते हो तो आपको इतना स्पेस तो एटलीस्ट चाहिए कि एक एक डॉग का जो एक एक जगह है, एक एक जो कोना है वो पूरा स्पेशियस हो, राइट? बिल्कुल, ताकि उनको बीमारियों से बचा सके, उनको लाइफस्टाइल अच्छा दे सके। इसके अलावा देखो कोई भी फार्म पे अब आप आए हो विजिट करते हो, कम से कम आपको भी तो फील आना चाहिए कि फार्म, आप किसी फार्म पे आए हो, बाप आए हो, देखो आपको कोई स्मेल आ रही है किसी तरह का। तो आज आप हमारे को क्या दिखाने वाले, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, कौन कौन सा डॉग दिखाने वाले? लास्ट टाइम से तो बहुत सारे डॉग चेंज हो गए होंगे अभी मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ चेंज हो गया है अभी। थोड़ा हस्की का मेरे लीटर हो रखे हैं, एक मेरा बीगल का लीटर हो रखा है, क्या बात है, और एक सेंट बर्नार्ड जो मेरी मेन ब्रीड है वो भी ड्यू है, देखो आजकल में उसकी भी ड्यू है, लीटर ड्यू, क्या बात है। तो सबसे पहले मैं आज आपको पहले स्टार्टिंग में पपीज दिखाता हूँ जो की है हस्की के। तो चलिए भैया पहले हस्की के पपीज दिखाते हैं। अजय गाइस आपको मैं ऑफिस में लेके चलता हूँ, तो ऑफिस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे लास्ट टाइम था, बहुत सही, और यहाँ पर सभी की सभी ट्रॉफीज लगी हुई है, बहुत अमेजिंग। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ, यहाँ पे ब्रीडर्स डिप्लोमा लिखा हुआ है, ये क्या चीज थी? ये डिप्लोमा ये होता है जैसे कि आपने कोई भी डॉग अपनी ब्रीडिंग का, ठीक है, उसके बाद उसके आगे बेबी को आपने चैंपियन किया तो आपको ब्रीडर डिप्लोमा मिलता है। आपकी अपनी ब्रीडिंग का जो डॉग चैंपियन करते हो तब आपको डिप्लोमा मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। बाहर से आपने बाय किया और चैंपियन किया फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, ये चीज भी कई लोगों के पास ही देखने को मिलती है, बहुत रेयर लोगों के पास। अभी भैया कहाँ पर है मुझे बताइए, पपीज हम ऑफिस में आ गए, पपीज कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, मैंने ऑफिस के अपने बिल्कुल साथ ही रखे हैं। अरे वाह सही है यार, बहुत सही। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये जो है पपी डिलीवरी रूम है जो कि नेक्स्ट ऑफिस है, जिसकी वजह से ट्रैक रखा जा सकता है, बच्चों की देखभाल की जा सकती है और खुद इंसान रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके ये इसकी कितनी एज है मदर की जो है? ये अभी हुई है 2.5 ईयर। और इसका फर्स्ट लीटर है? हाँ ये फर्स्ट लीटर है। वाह वाह वाह, इसमें मैं देख सकता हूँ कि व्हाइट हस्की भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये व्हाइट डॉग से क्रॉस करवाई है? ये व्हाइट डॉग से मेटेड है। अरे अरे मैं इनको डालो, पपीज कितने दिन हुए अभी? ये भी हुए हैं 17 डेज। तो आप भैया क्या सजेस्ट करते हो कि अगर किसी ने पप्पी लेना तो एटलीस्ट पप्पी कितने डेज का हो? कम से कम देखो मेरे हिसाब से कम से कम भी 50 डेज का तो होना चाहिए, कम से कम। बिल्कुल, अगर 60 का तो बढ़िया, क्योंकि फर्स्ट जो सेकंड वैक्सीन है 45 डेज पे लग जाती है। हाँ। उसके बाद ही देना चाहिए। अरे अरे कितना खुश हो रहा है, देख रहे हो कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। हाँ
आपके आपके बच्चे हाँ हमें पता है आप यहाँ पर थोड़े से एज में बड़े पपीज हैं। ये कितनी एज अभी इनकी? हो गए 40 डेज़ की। इनको बाहर निकालें, गार्डन में थोड़ा बाहर निकाल के निकालें। और यहाँ पर एक और फीमेल है, इसके कितने दिन के बच्चे हैं? ये अभी 12 डेज़ की। अच्छा, वो बहुत छोटे हैं अभी। ये बहुत प्यारी कलर है इसके। मैंने एक चीज नोटिस की है कि सभी फीमेल्स आफ्टर डिलीवरी भी इतने अच्छा कोट कंडीशन है। हाँ बिल्कुल, वही है ना, वो आपके डाइट के ऊपर है। आपने डॉग को डाइट क्या दी है प्रॉपर, जब ब्रीडिंग आपने करवानी है किसी डॉग की, उसके मल्टीविटामिन कैल्शियम आयरन प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसके ऊपर सारा कुछ मैटर करता है। नॉन वेज डाइट, होम मेड, वो भी देखो, मेन तो होता है इनका कैल्शियम आयरन मल्टीविटामिन। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कंसीविंग बीच को कितना देना है, आफ्टर डिलीवरी कितना देना है। क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली करता है हस्की जैसी कैसी ब्रीड है, आफ्टर डिलीवरी उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। पर यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वही बता रहा हूँ ना, यही तो एक्सपीरियंस है, टाइम भी तो हो गया ना। ये फंक्शन है अभी बस, अभी थोड़ा विंटर सीजन था तो अभी थोड़ा इसको डेवलप करेंगे अभी। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि पूरा यहाँ पे पूरी आपने पाइपलाइन तक लगवाई हुई है, ताकि कल को यहाँ पे जैसे एसीज हैं या वो अलग अलग चीजें। और ये बीगल के कितने दिन के बच्चे हैं? ये भी कल ही डिलीवर हुए। मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ, 1 डेज़ ओल्ड है अभी। गाइस, अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और बीगल के एक दिन के बच्चे दिखाता हूँ। अरे कितने प्यारे है भाई। मैं सही बताऊं, बीगल के तो इतने छोटे बच्चे मैंने भी पहली बार देखे। हाँ, अरे हाँ, ये आ गई, आप इसकी मम्मा हो। इधर आओ, क्या नाम है भैया इसका फीमेल का? सैंडी। सैंडी, आप इसकी मम्मा हो? ओरी, हाँ, हमें पता आप इसकी मम्मा हो। वाह यार, बहुत प्यारे। बीगल ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जो कि एक तो छोटी ब्रीड है, बट शरारती बहुत ज़्यादा होती है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है। वाह यार, बहुत सही। और ये जो फीमेल है भैया, आप क्या सजेस्ट करते हो? जैसे इधर आ रहे, कहाँ जा रही है सैंडी? सैंडी इधर आओ, पानी। हाँ, तो भैया आप क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे एक फीमेल अगर बाय चांस सपोज फैमिली में रहती है, ठीक है, अगर उसको स्टरलाइज नहीं करवाया हुआ, तो अगर बच्चे लेना चाहते हैं एक बार वंस इन अ लाइफ, तो कितनी एज के बाद लेना चाहते हैं? 2.5 ईयर के बाद, बिकॉज यंग भी रहती है फीमेल, बच्चे भी संभल जाते हैं, राइट? हाँ जी, सही है। चलो गाइस, तो अभी आपको दिखाते हैं बाहर ले जाके हस्की के वक्त। कितनी है जब ये इनकी? ये 42। वाओ यार, ये देख रहे हो कॉपर कलर में है। ये फीमेल है, मेल ही है? इतनी मेल है, ये अच्छा, फीमेल है, वो मेल है। इधर आ इधर, अरे कहाँ जा रहा है भाई? बड़े एक्टिव है यार। तो भैया आप इनके फादर मदर के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? मदर फादर ऐसा है कि इंपोर्ट लाइन है। अच्छा, और अभी मैंने शो नहीं किए। ओके, हाँ, वैसे चैंपियन उसमें है पेडिग्री में, ठीक है, लेकिन मैंने अभी शो नहीं किए। वाह यार, बहुत सही है यार। ये कॉपर कलर वाला, ये कॉपर कलर बहुत रेयर होता है। ओए ओए, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लू आईज साथ के साथ। अरे वाह यार, बहुत सही। तो भैया अभी आप फिलहाल इनको पपीज को डाइट क्या दे रहे हो? आप क्या सजेस्ट करते हो इनको? क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ इतनी एज में दे आर वेरी भाई, ये बहुत शरारती है। दे आर वेरी एक्टिव और बहुत अच्छा बोन साइज है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो क्या ऐसा आप दे रहे हो इनको खाने में? एक डाइट के कुछ एक फार्मूले होते हैं जो हम ओपनली नहीं बता सकते, बट अगर कोई पपी समझ लो आपसे लेता है, हमारे से लेता है, तो उसको आप सब समझाते हैं। 9 मंथ तक हम टोटली प्लान बना के देते हैं कि ये चले। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मल्टीविटामिन कौन से चलेंगे, कैल्शियम कौन सा, वो सब हम बना के देते हैं। आपने देखा इसके दांत कितने पड़े हैं? ओके गाइस, तो अभी बारी है भैया जो है। भैया ऑलमोस्ट कितने साल से सेंट बर्नार्ड स्पेशली मैं बात करूं, कितने साल हो गए? सेंट बर्नार्ड में मेरे को हो गए 24 इयर्स के करीब। और आपने वर्ल्ड चैंपियन तक डॉग्स रखे हुए हैं, ऐसा मतलब एक ही कैसी प्रोग्नी की जो डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियन के घर से आई हुई है, राइट? कनाडा से मेरा आया था पहले थियो। हाँ मुझे याद है आज। हाँ जी, वाओ। और ये क्या नाम है इसका? ये फीमेल है? हाँ जी, ये है। अग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करती। वाओ, कितनी है इसकी? और ये होगी 2.5 ईयर के आसपास। 2.5 ईयर, वाओ। भैया सेंट बर्नार्ड जैसी एक ब्रीड है, वो हर बंदे के बस की नहीं। जी जी, ये बात हमें माननी पड़ेगी, ना उसकी ब्रीडिंग हर एक बंदे की है, ना रखना हर एक बंदे की। तो आप जैसे कई लोग आपके पास आते होंगे कि सर हमें सेंट बर्नार्ड चाहिए हमें, तो आप क्या पहले चेक करते हो कि सेंट बर्नार्ड वो रख पाएंगे? क्या चीज? बिल्कुल, पहले तो हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आपने ये खुद रखना है, आपका लड़का संभालेगा, सर्वेंट है आपका, फ्लैट है या आपका एक मकान है, मकान है या फार्म हाउस है, फिर उस हिसाब से उनको हम बताते हैं कि देखो इसको एसी की रिक्वायरमेंट भी है। बिल्कुल, मार्च से लेके और अक्टूबर तक इसको एसी चाहिए। एसी मतलब? हाँ, रात के टाइम, दिन के टाइम एसी, रात के टाइम? हाँ जी, हाँ, रात के टाइम तो कोई गार्डन में खुला रहे, राइट? तो हम उससे पहले बात करते हैं, अगर वो कहता है कि हाँ मेरे पास है सब तामझाम, तब हम देते हैं उसको।
बहुत सारे डॉग्स से मैं मिलता हूँ सेंट बर्नार्ड से जिनकी बहुत ज्यादा स्मेलिंग की प्रॉब्लम रहती है, इनमें मैंने वो चीज नोटिस नहीं करी। वही बात है ना, एक तो सबसे पहली बात है आपका मैनेजमेंट फार्म के अंदर, अगर आपका मैनेजमेंट ही नहीं है तो वो अगर वो शेड्यूल कर रहा है आपका, आप पोटी शिशू कर रहा है वो टाइमली आप क्लीन नहीं कर रहे, फिर डेली आप उसे डेली आपको उसको फिनाइल से धुलाई करनी, केमिकल से धुलाई करनी, फिर डेली सुबह शाम इसको वॉक देना, अगर आप प्रॉपर कर ही रहे तो स्मेल तो आएगी ना। ये चीज मैटर करती है गाइस, वो बहुत जरूरी है। तो गाइस अभी एक बहुत अमेजिंग केन कोर्सो बाहर निकाल के लाए, केन कोर्सो ही अभी है। फीमेल है और बहुत अच्छी ब्रीडिंग की लग रही है मेरे को, क्या बताइए इसके बारे में कुछ बता रहे थे आप। लेकिन हम लोग इसकी ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे, अभी तो नहीं करवाएंगे एक्चुअली। आप इसको थोड़ा मेरे को बताओ। एक्चुअली ये मेरे क्लाइंट हैं लोकली करनाल में, ये उनको मैंने दी थी, तो उनसे बस वही बात है कि डाइट नहीं दे पाए या नहीं रख पाए, हाँ कोई वही भाई असली कारण तो कोई बताता नहीं है, तो ये मेरे को दे के गए थे कि हमारे से वर्मा जी नहीं रख पा रहे हम लोग। बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, फिर इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम डॉग अच्छा खाना तो खाएगा, अच्छी जगह रह रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए मैंने रख लिया। अभी ब्रीडिंग का सोचा नहीं है, वैसे 1.5 ईयर की हो गई है, लेकिन अभी सोचा नहीं है कुछ भी। तो भैया आप अभी फिलहाल जो है आपके पास इतनी सारी ब्रीड्स अलग अलग है, हर हर ब्रीड का हर एक का टेम्परामेंट अलग है, हर एक का रखने का रहन सहन अलग है, तो सब कुछ मेंटेन करने में आपको कितने लोग आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं? मेरे पास टोटल 4 लोग हैं, 4 लोगों की टीम। हाँ जी हाँ जी, आप भी हो? हाँ उसमें नहीं मैं 5, आप मतलब 5वें हो गए, 5 लोगों के मिलके ही एक पूरा इतना बड़ा फार्म यहाँ पे आप चला पा रहे हैं, बहुत सही है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पर एक आया है फ्रेंच मस्टीफ। भैया फ्रेंच मस्टीफ एक ऐसी ब्रीड है जो अभी बहुत कम लोग रखते हैं, राइट? बहुत रेयर पाई जाती है। नहीं रेयर तो नहीं कह सकते, मिल जाती है लेकिन क्वालिटी नहीं मिलती। क्या होता है कि आजकल लोगों ने इतना ज्यादा मिक्स करवा दिया इसको, कईयों ने नेपोलियन के साथ मिक्स करवा दिया, कईयों ने केन कोर्स के साथ मिक्स करवा दिया। ओरिजिनल कह सकते हैं कि ओरिजिनल कम मिलता है, ठीक है, लोगों को वही बात है कि ये वैसे एज अ गार्ड डॉग काम करता है, ये है ही गार्डिंग के लिए। अच्छा, ये प्रॉपर गार्ड डॉग है, प्रॉपर गार्ड डॉग है। तो अगर किसी की बड़ी फैक्ट्री है या किसी के पास ऐसी जगह है, इंडोर इंडोर डॉग नहीं है ये, आउटडोर डॉग है, ये एक्टिव डॉग है, एक्टिव लाइफस्टाइल चाहता है। हां जी हां जी, अभी भी देखो आपके सामने पकड़ा हुआ है, खींच रहा है। तो लोगों में के माइंड में एक सेटअप है कि मैस्टिफ है तो सुस्ती होगा, ऐसा नहीं है। नेपोलियन सुस्त होता है, इंग्लिश मैस्टिफ सुस्त होता है, लेकिन ये ब्रीड एक्टिव ही रहती है। अच्छा एक चीज आपको मैं और दिखाता हूँ, यहाँ पर भैया ने जो मेरे को बताया था अभी कि इनके घूमने के लिए एक एरिया रखा हुआ है, वो स्पेशली यहाँ पर देखिए दो हस्कीज है, और ये बहुत अच्छा एरिया। क्या लगता है भैया कितने बाई कितना एरिया हुआ है इनके घूमने के लिए यहाँ पर? ये है 100x50 का, और ये पूरा मिट्टी से है, कच्चा एरिया, ताकि इनके पैर सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये चीज बहुत। और ना एक चीज और मेरे को बड़ी अच्छी लगी, जैसे आप वहाँ देख सकते हो उधर से एक डॉग है वो बाहर देख सकता है, तो बेसिकली अंदर जो सेटअप बनाया हुआ है वो डॉग्स के एक तो अंदर घुटन नहीं हो सकती क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है। हाँ, दोनों तरफ से ओपन है, वेंटिलेशन अच्छी रहती है, दूसरा एक खेतों से घिरा हुआ एरिया है, और चौथा वो डॉग बाहर देख सकता है, उसका मनोरंजन अच्छा खासा हो रहा है। हर डॉग के आगे जो है अंदर जो केजीज है, हर डॉग के आगे इस तरह की बना हुआ है कि वो बाहर देख सकता है, बाहर देख सकता है। और बाहर अभी मैंने देखा कि इसको भी आप घुमा के भी लाए, कि एक टाइम आपने हर डॉग का फिक्स कर रखा है कि दो दो डॉग्स करके घुमाते हैं सुबह और शाम, दोनों टाइम सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। एंड तो आई होप अगर गाइस आपको किसी भी इनके पास जितनी ब्रीड है, किसी ब्रीड के रिलेटेड, पपी के रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो भैया का जो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक A to Z आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा चेक करेंगे वीडियो का तो आपको सब पता लग जाएगा। एंड विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।